यहाँ पे जो एक बहुत बढ़िया बाइक है क्रॉस फायर, ये चाइनीज बाइक है। अभी जो चल रहा है ना भाई रास्ता, पूछो मत क्या लेवल है। यहाँ पे रुके हुए थे होटल हिमालयन गेटवे में, एंड वी आर इन बेसी शहर। बाइक्स अपनी लोड हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू मनंग फाइनली। तो उसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइड। एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चला गया क्योंकि हिमालयन का एक कॉइल का इशू आ गया था एंड बहुत सारे मैसेजेस आए, मतलब लोगों ने कहा कि एक्चुअली में ये हिमालयन में इशू है, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट फिक्सिंग। नट जो था उसमें से अंदर से निकला एंड कॉइल को वो डैमेज कर दिया। सो एनीवेज क्या कर सकते हैं, एक एक दो दिन बफर लेके वैसे भी हम लोग चल रहे हैं उसी हिसाब से तरीके से कुछ है। एंड हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स मनंग। राइड विल बी अराउंड 107 किलोमीटर। पूरा जो है स्टीप्स डाउनहिल ऐसा टाइप सा रहेगा एंड पूरा फुल ऑफ रोडिंग होने वाला है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे जो एक बहुत बढ़िया बाइक है क्रॉस फायर, ये चाइनीज बाइक है। एंड जो यहाँ पे इसमें टायर्स देखोगे ना, मतलब इतना सही बटन टायर्स दे रखा है, पूरा फुल ऑफ रोडिंग वाला टाइप से बना हुआ है। यहाँ पे सीट स्टिफ है बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, अपनी लगेज जो है सेम तरीके से बंधी हुई है। यहाँ पे हम लोग लगेज बांध के देन अभी निकलते हैं। तो ये वाला था प्रॉपर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल है, गूगल पे भी रिव्यू डाल दूंगा। बस एक चीज़ है, कल जो बाइक ख़राब हुई थी तो उसके बाद में हम लोगों ने सोचा था कि बाइक रेंट पे कर लेंगे, बट बजाज पल्सर 220 का जो प्राइस है वो 5000 है। तो सोच सकते हैं हिमालयन और बाकी सब का कितना होगा। वैसे तो मिलती नहीं है, अब मिलती भी होगी कहाँ मिलती होगी ये नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस सिटी को कहते हैं बाय बाय एंड यहाँ पे हम लोग वापस आते टाइम में नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोगों के पास में ऑलरेडी एक दिन शॉर्ट है ऑलमोस्ट सेकंड को। यार ये ऑटो वाले यार किसी भी जगह ऐसे ही रहते हैं, कभी नहीं चेंज होंगे। अच्छा ये तो सेम ही जगह है। ओ भाई साहब, लंच करने भी तो यहीं पे गए थे, मतलब ये ड्रम से जो हो गए हैं उसके बाद ही ऑफ रोड शुरू हो गया है। ओ आज खतरनाक सीन होने वाला है भाई साहब। इधर रोड ही नहीं है तभी तो नहीं दिखा रहा है, और ऊपर से ये पूरा ऊपर से पानी आ रहा है। आज तो नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस होने वाला है, वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी। ओह क्या ये ABS अपने आप से काम कर ही जा रहा है बार बार। ओह माय गॉड, ओह तेरी ले, वाटर क्रॉसिंग भी। लेट्स वेट वेट वेट। भाई साहब वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग, आज पूरा भीगने वाले हैं। वाह मजा आ गया, सब रिकॉर्ड होएगा आज, अलग ही है, रोड ही नहीं है। ओए 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 ओए, नीचे रिवर देखोगे ना, देख के मजा आ रहा है। वाह भाई साहब, मतलब पानी का फ्लो कितना तेज है। आ जाओ, वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग है। ओ सॉरी, ये गोप्रो ने फिर से मार ली दो शब्द गोप्रो कंपनी के लिए। यार गोप्रो ने फिर से जो वाट लगा दिया यार, फिर से इतने सारे वर्जन्स निकालते हो, प्लीज यार हैंग का इश्यू सॉल्व कर दो। ओ भाई यहाँ पे पूरा इधर साइड से ना पूरा रिवर एकदम बढ़िया, और उधर पे पूरा बर्फीला वाला जो पहाड़ी है वो है,
तो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा एक वीडियो लेते हैं। तो अपर मारसांगदी पावर स्टेशन है यहाँ पे, जैसे टनल जा रहा है। लेट्स गो। आज अभिजीत कमिंग। यो वाह यार, बढ़िया टनल बना रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला काम चल रहा है तो कुछ कुछ चीज़ें सही हो गई हैं। बढ़िया, ब्यूटीफुल भाई। यहाँ पे कंक्रीट रोड बनी हुई, क्या बात है। तो बीच बीच में काम चल रहा है, बीच बीच में ऑफ रोड मिल रहा है। तो अभी हम लोग बिल्कुल रिवर के बगल में से जा रहे हैं और अमेजिंग वाला फील है भाई। ये वाला एक्सपीरियंस मतलब बाकी जगह नहीं मिला, मतलब लद्दाख में अलग है, मतलब रॉ फीलिंग वाली बात नहीं आ रही है वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी आगे पता नहीं स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स स्टॉप हियर एंड थोड़ा सा कुछ ऐसा आइटम ऑर्डर करेंगे जो जल्दी आ जाए। मेन चीज़ वही है क्योंकि आज टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग बेसी शहर से थोड़ा सा आगे आने के बाद में देन हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। अच्छा सा लोकेशन है यहाँ पे, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है यहाँ पे बहुत ही नेचर से कनेक्टेड वाला फील आ रहा है यहाँ पे। एंड काफ़ी सारे जो फॉरनर्स हैं यहाँ पे आके रुकते हैं, इवन वी आर फॉरनर्स हियर। तो कुछ इस तरीके सा है। एंड ब्रेकफास्ट आप लोग बेटर है जितना बेसी शहर के पास में हो वहीं पे कर लो, क्योंकि जितना आगे जाते जाओगे देन उतना ही महंगा होता जाएगा। यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट का ही 450 रुपीज़ है। देन आगे आप समझ सकते हो जो थाली 500 की बेसी शहर में मिल रही थी यहाँ पे 750 हो चुकी है। सो दैट इज़ द थिंग, जो प्लान है उसी हिसाब से करो, क्योंकि बजट जो है ना हम लोगों को काफ़ी समझ के चलना पड़ता है। एंड यहाँ पे फिलहाल बजट की बात नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं देन उसके बाद में आगे निकलेंगे। हिमालयन गिर गई भाई, इतना गिर जाएगी ये नहीं सोचा था भाई साहब। जो रोड चल रहा है ना, स्टीप डिक्लाइन। ये देखो यहाँ पे, इधर पे डैम बना हुआ था एक पीछे, तो यहाँ पे इसलिए वाटर पूरा रुका हुआ है। बट भाई साहब जो एक्सपीरियंस चल रहा है ना, पूछो मत। अभी सुबह सुबह ही इतना हो गया एंड हार्डली वी हैव कवर 20 किलोमीटर्स। और जो डिस्टेंस अभी मनंग का दिखा रहा है दैट इज 79 किलोमीटर्स के लिए 8 आवर्स लग रहा है, सोच रहे हो। क्या लेवल है। जंस्कार इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। इट इज शोइंग या ट्रैकिंग ट्रेल मनंग दिस साइड एंड डाउन। ओ हो भाई साहब, यहाँ पे बस एक ही एडवाइस है कि यूज़ द रियर ब्रेक एंड इंजन ब्रेकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डाउनहिल है, पेबल्स है, स्लश है भाई साहब, मतलब क्या क्या नहीं है। इट्स बेटर टू स्टैंड भाई साहब। गाड़ी ऐसे जा रही है ना नीचे, इसमें गोप्रो में हो सकता है जस्टिस ना कर रहा हो, बट पूछो मत भाई, इंजन ब्रेकिंग भी नहीं काम कर रही है। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, एक नंबर भाई। ओ भाई ऐसा ही रास्ता है, ये तो रास्ता तो है एटलीस्ट। तो देन बी ऑन द फर्स्ट गियर फुल थ्रॉटल, मूव ऑन द अदर साइड एंड देन पुश इट भाई साहब। बट पूरा बॉडी वाइब्रेट कर जाएगा आज 80 किलोमीटर के बाद में। एंड वी हैव टू कम बैक टुमारो एटलीस्ट। हाँ प्लान तो यही था कि उधर पे जाके ब्रेक लेंगे, बट अब तो नहीं हो पाएगा। 100 किलोमीटर आज का ऑफ रोड, कल का 100 किलोमीटर ऑफ रोड बैक टू बैक। जो परमिट है हम लोगों को मनंग का वो मिला है 3 दिन का, एंड हम लोगों ने कल के हिसाब से लिया था बट बाइक ख़राब हो गई थी देन। अभी जो चल रहा है ना भाई रास्ता, पूछो मत क्या लेवल है। इतना ऑफ रोडिंग चल रही है बट यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, गियर पे डालो एंड छोड़ दो, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग अपने आप से काम करेगा। अगर ब्रेक प्रेस करोगे तो ब्रेक पैड भी जाएगा, क्लच प्लेट जाएगी अगर हाफ क्लच प्रेस करोगे। सो इट्स बेटर टू राइड लाइक दिस, इससे आप लोगों का ना जो है मेंटेनेंस का कॉस्ट बच जाएगा एंड बीच में एटलीस्ट बाइक में कुछ इशू नहीं आ पाएगा। बट क्या नेचुरल ट्रेल है यार, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। अब यहाँ पे ऐसा है कि बीच बीच में ना थोड़े थोड़े स्टे रेस्टोरेंट ये सब पड़ते रहते हैं, तो देर इज़ नो इशू। डाउन हिल देख रहे हो, मतलब पूरा ऐसे जा रहा है उधर उधर ऊपर। ओ भाई अलग लेवल का ऑफ रोड है यार,
मेरे को लगता कहीं इंडिया में पूरे में होएगा। बहुत तगड़ा मतलब एकदम, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे रोड बना हुआ मतलब कच्चा वाला मिल जाता है ना, सीधा अपहिल। मोस्टली ना जो गोप्रो में रहता है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाता, बट यहाँ पे देखो क्या सही दिख रहा है, क्या ब्यूटीफुल जगह है। हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ, जो वाटरफॉल है वो है, एंड ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला टेक्टिक सीखना, इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो मसल मेमोरी बिल्ड होने में टाइम लगता है। अभी सीन वही है, मतलब चला यहाँ से कोई भी जाएगा, बट विद टैक्टिस एंड लेस एफर्ट्स, दैट इज़ द मेन पार्ट। क्योंकि अगर आप टैक्टिस नहीं लगाओगे या थोड़ा सा जो टेक्निक के हिसाब से काम करते मतलब ऑफ रोडिंग करते हैं वो नहीं लगाओगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो जगह चल रही है ये है जगत, ये भी लामजंग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, एंड यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप है, शॉपिंग सेंटर छोटा छोटा बना हुआ है, वही सीन है। यहाँ पे आप लोगों को स्टे भी मिल जाएगा, देन रेस्टोरेंट भी है, हर एक चीज़ है, तो अच्छी चीज़ है भाई साहब। क्या हो गया? हाँ ये इधर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, पूरी बाइक जंप कर रही है, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा सा आगे पीछे वाला सस्पेंशन जंप कर रहा हूँ, पूरी बाइक जंप कर जा रही है। ये वाला कॉर्नर है ना ट्रिकी होता है, थोड़ा सा बाहर साइड से लेके निकालो, क्योंकि अंदर अंदर साइड से निकालोगे ना तो देयर आर चांसेस कि गिराओगे बाइक, कॉर्नर पे थोड़ा सा वेट नहीं ले पाते, स्पेशली BMW 850 में वेट जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है ऐसे कॉर्नरिंग, जब भी कॉर्नर पे अगर मोड़ रहे हो तो। अभी तो इनको गुड मॉर्निंग कहने का भी कुछ फायदा नहीं है, बोलेंगे गुड आफ्टरनून, कब उठ के आ रहे हो। सो इस वाली लोकेशन पे हम लोग कॉफी पी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कॉफी बनी है, एंड यहाँ पे वाटरफॉल है, दिस इज बून वाटरफॉल। यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे टूवर्ड्स चामे, एंड चामे लग रहा है 3 घंटे में पहुंचेंगे, एंड मनंग जो है 4-5 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट। और बोल रहे हैं यहाँ से मनंग के लिए लगेगा अराउंड 4 घंटा बाइक से, और बोलते हैं 5-6 घंटा कार से लगता है क्योंकि थोड़ा सा स्लो जाना पड़ता है। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, देखो यहाँ पे भाई साहब जो कॉफी पी के मजा आया, और अभी तक का जितना ऑफ रोड हो गया ना कैलोरीज बर्न दिखाता हूँ, 1370 अभी तक बर्न हो चुका है, हाफ डिस्टेंस भी नहीं हुआ है। भाई साहब ये रास्ता कैसे बनाया है, देखो दो पहाड़ी का बीच का एरिया काट के, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी देखो कहाँ पे जाना है भाई, इट्स जस्ट लाइक डूइंग किलर किश्तवाड़। देख रहे हो क्या चल रहा है, रोड तो यहाँ मिल गई है बट वही है कि थोड़ा सा डाउनहिल बहुत ज़्यादा है, अभी अपहिल भी बहुत ज़्यादा था रेस्टोरेंट के बाद में, बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार रास्ता। ज़्यादा मैं बैग ब्रेक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में वैसा रहेगा। ओए होए 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 वाह ब्यूटीफुल, क्या मस्त पानी आया भाई, पता है। तो दिस इज ऑक्टोपस वाटरफॉल, एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हाँ राइट, तो अभी हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, और वहाँ देखो वहाँ तक चढ़ना, इतनी सी थोड़ी सी देर में मतलब नेक्स्ट पहाड़ी में हम लोग ऊपर। और सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ऑफ रोड करने के बाद में आए हैं, एंड इधर पे छोटा गाड़ी ही मिलेगा यहाँ पे बोल रहे हो, और थोड़ा सा हाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी को, बहुत ज़रूरी है भाई, एंड लवली लोकेशन।